लूका रचित सुसमाचार। लूका ने यीशु के जीवन से जुड़े हुए कई आरंभिक आंखों देखे गवाहों से पूछताछ करने के बाद इस वृत्तांत की रचना की थी। कहानी यरूशलेम की पहाड़ियों में शुरू होती है, वह स्थान जहां एक दिन इसराइल के प्राचीन भविष्यवक्ताओं के कहे अनुसार स्वयं परमेश्वर आने वाले थे ताकि अपने राज्य को सारी पृथ्वी पर स्थापित कर सके। इस शहर में परमेश्वर का मंदिर है जो याजकों द्वारा संचालित था। इनमें जकरिया नामक एक याजक था जिसने मंदिर में काम करते समय एक ऐसा दर्शन देखा जिससे वह बुरी तरह से डर गया। एक स्वर्गदूत आया और उसने कहा कि उसे और उसकी पत्नी के एक पुत्र होगा। यह सब किस विषय में है? अब बताया गया था कि जकरिया और उसकी पत्नी बहुत बूढ़े थे, वे संतान उत्पन्न करने में असमर्थ थे। लूका यहाँ इसराइल के महान पुरखों अब्राहम और सारा के साथ समानांतर बना रहा था क्योंकि वे भी बहुत बूढ़े थे और उनके भी बच्चे पैदा नहीं हो सकते थे। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें एक बेटा इसहाक दिया जिसके साथ ही पूरी इसराइल की कहानी शुरू हुई थी। लूका यह कहना चाहता है कि परमेश्वर फिर से इन लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं। स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा कि वह अपने पुत्र का नाम यूहन्ना रखे। फिर उसने कहा कि यह पुत्र इसराइल के प्राचीन भविष्यवक्ताओं की उस प्रतिज्ञा को पूरी करेगा कि एक दिन कोई आएगा जो इसराइल को अपने परमेश्वर से मिलने के लिए कोई तैयार करेगा उस समय जब वह यरूशलेम में राज्य करने आएंगे, क्योंकि अभी तो यरूशलेम में रोमी सरकार का राज्य था। यहाँ पर हेरोद नाम के व्यक्ति का शासन था जो रोमी साम्राज्य के हाथों की कठपुतली था। तो यहूदी लोग केवल यही चाहते थे कि वे स्वतंत्र होकर अपने देश में स्वयं शासन करें। तो यह समाचार चौंका देने वाला था। सब कुछ बदलने वाला है, परमेश्वर आ रही हैं, पर वह कैसे आएगा? यह जानने के लिए लूका हमें यरूशलेम के बाहर ले जाता है और फिर ऊपर गलील नाम के अलग थलग से क्षेत्र की पहाड़ियों के एक छोटे से नगर में हमें मरियम नाम की नवयुवती मिलती है जिसे हम मेरी भी कहते हैं। विवाह के लिए उसकी मंगनी हो चुकी थी। फिर एक स्वर्गदूत मरियम के सामने प्रकट होकर कहता है कि उसके एक पुत्र होगा और उसे उसका नाम यीशु रखना है जिसका इब्रानी भाषा में अर्थ है प्रभु बचाता है। वह दाऊद के समान राजा होगा जो परमेश्वर के लोगों पर सदा सर्वदा राज्य करेगा। तब मरियम पूछती है, अच्छा पर यह कैसे होगा क्योंकि मैं तो अभी कुंवारी हूँ। उसे बताया गया कि वही पवित्र आत्मा जो उत्पत्ति अध्याय एक में अंधकार में से ज्योति और जीवन लाया था वही उसके गर्भ में जीवन उत्पन्न करेगा। मसीह के गर्भ में आने और जन्म लेने के माध्यम से परमेश्वर मानव जाति से अपने आप को बांधने वाले थे। तो मरियम जो एक अनजान सी जगह की अनाम सी लड़की थी वह भावी राजा की माँ बनेगी। बिल्कुल, वास्तव में वह एक गीत गाती है कि कैसे उसकी सामाजिक दशा में हुआ यह उलटफेर एक और बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा था। उसके बेटे के द्वारा परमेश्वर राजाओं को उनके सिंहासन से गिराएंगे और कंगालों और नम्र लोगों को ऊंचा उठाएंगे। वह संसार की सत्ता के पूरे ढांचे को उलट पुलट करने वाले हैं। तो जब मरियम गर्भवती थी तब उसे और उसके मंगेतर यूसुफ को बेतलहम जाना पड़ा। सारे रोमी साम्राज्य में नए करों से संबंधित एक आज्ञा निकली थी, इसलिए सभी को अपने पूर्वजों के नगर में जाकर अपना पंजीकरण कराना था। बेतलहम यात्रियों से भरा हुआ था, उन्हें किसी सराय में जगह नहीं मिली। उन्हें केवल एक जगह मिली जहाँ पशुओं को रखा जाता था। पास ही कुछ चरवाहे थे जो अपनी भेड़ बकरियों के झुंड के साथ थे। तब एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ जिसे देख वे बहुत डर गए, लेकिन उन्हें तो आनंद मनाना था क्योंकि आज रात बेतलहम में उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। उन्हें कहा गया कि जाओ और इस बालक को ढूंढो। वे जान जाएंगे कि वह मसीह है क्योंकि वह कपड़े में लिपटा हुआ गंदी सी चरनी में पड़ा हुआ मिलेगा। यह तो बड़ी अजीब सी बात है। तब ये चरवाहे जो खुद तो बहुत साफ सुथरे नहीं थे जाकर बालक यीशु को उस गंदी सी अंधेरी जगह में पाते हैं और यह देखकर उनका दिमाग घूम जाता है। वह यह सोचते हुए घर लौट जाते हैं कि अब क्या होने वाला है। यह सब कुछ तो बड़ा ही विचित्र है। मेरा मतलब है कि अगर परमेश्वर सचमुच इस जगत को बचाने के लिए आ रहे हैं तो आप उनके इस प्रकार से आने की आशा तो नहीं कर सकते। उनका जन्म पशुशाला में एक किशोरी द्वारा हुआ और उनके जन्म का उत्सव अज्ञात चरवाहों ने मनाया। बिल्कुल, मेरा मतलब है कि लूका की कहानी में यह ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक सब कुछ उल्टा है। वह दिखा रहा है कि परमेश्वर का राज्य कैसे पहले इन गंदे स्थानों और कंगालों के बीच में प्रकट हुआ, क्योंकि इस जगत को उलट देने के द्वारा यीशु यहाँ उद्धार लाने वाले हैं।